Good morning, kids. Now it's time to study. See the question number 6. Using the given digits. Now, as you all can see, these are the digits given here from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. Means total 10 digits are given. Make two different methods of addition. As for example, number can be used more than one time. आप इसमें से numbers एक से ज़्यादा बार use कर सकते हो. और दो method मतलब अलग अलग digit का use करके जो यहाँ पर already sum दिया गया है. Okay, I'll explain one. कि suppose 14 यहाँ पर दिया गया है, example दिया है. So अगर हमें 14 sum लाना है, if we want to get the sum 14, इसमें से कोई भी तीन डिजिट सेलेक्ट करो कि जिसका सम हमें मिले 14. तो सपोज चलो पहले 6 करते हैं, तो लिखो 6. अब 6 में फिर दूसरे कितने ऐड करेंगे, 5 ऐड करो, तो विल गेट 11. प्लस 11 हुआ मतलब और तीन नंबर चाहिए, तो अब कौन से सिलेक्ट करेंगे, 3. तो चलो देखो मिल गया 6 + 5 = 11, 11 + 3 = 14. Got it? Same way, अब दूसरे डिजिट यूज करने हैं. Now we are going to use different one. So चलो 8 ले लेते हैं बड़ा नंबर, क्योंकि हमें 14 वैसे भी बड़े नंबर सम लाना है, तो 8 ले लेते हैं. तो 8, अब 8 में दूसरा कोई नंबर ऐड करेंगे, विल ऐड 4. सो 8 + 4 योर आंसर विल बी 12, और 2 उसमें ऐड करो तो हो जाएगा 14. सो हमने ये दो मेथड की, फर्स्ट और सेकंड. कौन से डिजिट यूज़ करके, डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक अलग अलग डिजिट को हमें लेके 14 समा में मिलेगा. अब देखो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करो या फिर इसको ऐड करो, यू विल गेट आंसर 14. ओके, नाउ विल सी द नंबर्स विच आर गिवन. आई हैव ऑलरेडी डन सम नंबर्स, ये बस 16 है. तो पहले मैंने 8 लिया. ओके, तो 8 + 5 = 13 + 3 = 16 आ गया. तो इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट 9 + 1 = 10 + 6 = 16. मीन्स आपको यही जो डिजिट दिए गए उन्हीं का आपको यूज करना है, एंड यू हैव टू मेक. देन नेक्स्ट 9, तो 5 + 1 = 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8 + 1 = 9. सेम वे 9 + 1 = 10, 10 में और 5 ऐड करो, यू विल गेट 15. सेम वे 7 + 2 = 9, 9 + 6 = 15. और एक मैंने किया है 9 + 1 = 10, हमें 18 लाना है, तो 9 + 1 = 10, 10 + 8 = 18 आ गया. 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18. उसी तरह यहाँ पे भी 10 का आप बता सकते हो. चलो कोई नंबर सेलेक्ट करो, यहाँ पे पहले 5 कर लेते. ओके, तो लिखो 5 + 2 = 7 + 3 = 10. तो एक हो गई मेथड. अब दूसरे चलो 6 लेते, 6 लिखते, 6 + 4 = 10 + 0 ऐड कर देते, हो गया 0 का जीरो हो गया आंसर. चलो नेक्स्ट, आप जितने हैं ट्राई टू डू इट, अलग अलग नंबर्स लेके ये जो सम है वो लाने का ट्राई करना. ओके, जो नंबर्स दिए ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इंसेक्ट्स एज पर द गिवन नंबर आर हिडन इन द होल, कि एक लिजर्ड दी गई है और ये जो होल दी है और उसके अंदर जितने नंबर है उतने इंसेक्ट है. विच वे विल लिजर्ड चूज टू ईट देम, अब लिजर्ड को ये जो होल है उसके अंदर छुपे इंसेक्ट खाने, बट वो कैसे जाएगी वो हमें तय करना है. कि सपोज देखो कि इफ लिजर्ड वॉन्ट्स टू ईट 12 इंसेक्ट, अगर उसे 12 इंसेक्ट खाने हैं तो पहले वो कहाँ जाएगी, 3 पे. ओके, 3 खा के और एक खाएगी तो होगा 4, 4 के बाद 8 खाएगी तो 12, तो ये 12 इंसेक्ट उसे मिलेंगे. मतलब उसका रास्ता हमें चूज करना है, वी हैव टू चूज द पथ ऑफ द लिजर्ड. नाउ विच वे विल लिजर्ड चूज टू ईट 13 इंसेक्ट, अगर उसे 13 इंसेक्ट खाने हैं तो कहाँ से कहाँ जाएगी. तो मैंने ऑलरेडी किया है, देखो पहले वो 3 इंसेक्ट खाएगी, मतलब 3, ओके, फिर जाएगी 9 पे, तो 3 प्लस 9 12, और फिर एक खाएगी तो 30. सो दिस इज योर द पथ. सेम वे इफ द लिजर्ड वॉन्ट्स टू ईट 15 इंसेक्ट, अगर उसे 15 खाने हैं तो उसका रास्ता होगा, पहले खाएगी वो यहाँ से पहले 8 पे जाएगी इस होल पे, वहाँ पे 8 इंसेक्ट खाएगी, फिर आएगी यहाँ पे 8 प्लस 4 12, एंड 12 खा के फिर आएगी 3 पे, तो 12 प्लस 3 15. ओके, सेम वे मैंने ऑलरेडी ये किया है, आप देख लो. Which three different ways can lizard choose to eat 14 insects? तो पहले वो 8, 4, 2, तो चलो देखो ये 8 खाएगी पहले, यहाँ डायरेक्ट यहाँ जाएगी 4, मतलब 12 प्लस 2 40, तो 40 इंसेक्ट हो गए उसके. सेम वे 8, 5, 1, मतलब पहले वो 8 इंसेक्ट खाएगी, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14. सेम वे 7, 3, 4, तो पहले 7 पे जाएगी वो, चलो ओके. इसी तरह आप दूसरे भी कर सकते हो. ओके, सेम वे ये देख लो आप कि 8 पहले खाएगी, अगर उसे 16 इंसेक्ट खाने हैं तो 8 पहले खाएगी, फिर 4, देन 3, एंड लास्ट 1. सेम वे 3, 7, 4, एंड 2, ये जो पथ है हमने डिसाइड किए. यू नाउ यू हैव टू चेक इट वेदर कि भी उनका सम 16 आता है कि नहीं आता, वो भी चेक करना है. तो आप देख सकते हो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, प्लस 1 16. सेम वे 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 4 14, प्लस 2 16. ओके, सो आप देख लेना एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, पहले अपने आप करना, और अगर आंसर ना मिले तो वीडियो में जो आंसर है वो देख के कर सकते. ओके, बाय, टेक केयर.